नशे का काला कारोबार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 14 से 20 साल तक की उम्र वाले नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। कृष्ण ढुल ने कहा कि परिषद 37,500 युवा, महिलाएं और पुरुषों को पिछले 5 सालों में नशे की गिरफ्त से छुटकारा दिलवा चुका है। उन्होंने कहा कि देशी नशों के साथ साथ हेरोइन, कोकीन और अन्य सिंथेटिक नशे भी युवाओं के जीवन में खर कर रहे हैं। बच्चे फ्लूड और आयोडेक्स का इस्तेमाल नशे के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में तो महिलाएं भी देशी शराब की आदि की सेवन कर रही हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के जितने भी हमारे जो बच्चे हैं, हमारा ये सोच है कि वो बच्चे जो है मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बने और किसी भी रूप में बाल भिक्षावृत्ति को रोकना और बाल मजदूरी को रोकना, इसके लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद और उसकी पूरी टीम जो है वो कटिबद्ध है।